सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद अच्छी तरह से जान ले, उनके बारे में पढ़ ले, उनके बारे में समझ ले, तो हमारे समाज में कभी यूथ कभी कुछ गलत स्टेप ले ही नहीं सकते, बल्कि हमारे समाज में दिन ब दिन परिवर्तन होगा, सब कुछ से चेंजेस होगा ना। भारत माता के सच्चे सपूत शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह की जयंती समारोह आयोजित। राष्ट्र के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले महान क्रांतिकारी भारत माँ के सच्चे सपूत क्रांतिकारी शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती पर सहरसा शहर के मीरटोला में कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर डॉक्टर रंजीत मिश्रा ने कहा कि सरदार भगत सिंह महान देशभक्त थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर देश को आज़ादी दिलाई। उनके साथी राजगुरु सुखदेव, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर एक साथ मिलकर भारत माता के पैरों में पड़ी जंजीरों से मुक्त कराया। वहीं मानस मिश्रा ने बताया कि देश के युवाओं को उन महान क्रांतिकारी को अपना आदर्श बनाना चाहिए। आज के युवा नशा की दलदल में फंसती जा रही है, ऐसे में महान क्रांतिकारी भगत सिंह के विचार का अवश्य अवलोकन करना चाहिए तथा उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम विगत 2 वर्षों से उनके द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि इन महान क्रांतिकारियों की जयंती पर प्रतिवर्ष भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु सहित अन्य क्रांतिकारियों के चित्र को लगाकर उनकी पुष्पमाला चढ़कर श्रद्धांजलि दी जाती है। इस मौके पर अनिल गिरी, पंपल सिंह, डॉक्टर ए के नायर, संतोष झा, सन्नी चौधरी, प्रिंस आनंद, श्याम खां, छोटू मिश्रा, सोनू सरदार, आनंद झा, बम झा, शंकर सिंह, अंकिता आनंद, बम सिंह, मानव मिश्रा, मौसम यादव, राजीव खां, सन्नी कुमार, विशाल सिंह, माधव सिंह, गौतम गंभीर, सुमित सिंह, आदित्य कुमार, गोलू ठाकुर, विनीत कुमार सहित अन्य मौजूद थे। भगत सिंह का बर्थडे मनाया जा रहा है, ये बड़े हर्ष की बात है कि आज भी ये लोग इनके लिए इतने डेडिकेटेड हैं। और भगत सिंह जैसा अगर सोच हमारे देश के युवाओं में आ जाए तो कुछ भी यहाँ पे बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि इनकी पुण्यतिथि को आप लोग हृदय से मनाएं और इन ये जो काम किए हैं उसके प्रति भी सोचें और अपनी सहभागिता भी देश के लिए जारी रखें। पुण्यतिथि मना रहे हैं, मैं सब बार की तरह इस बार भी यही कहूँगा कि अगर हमारे देश के, हमारे शहर के, हमारे राज्य के यूथ अगर भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद को अच्छी तरह से जान ले, उनके बारे में पढ़ ले, उनके बारे में समझ ले, तो हमारे समाज में कभी यूथ कभी कुछ गलत स्टेप ले ही नहीं सकते, बल्कि हमारे समाज में दिन ब दिन परिवर्तन होगा, सब कुछ से चेंजेस होगा, ना कोई करप्शन होगा, ना ही नशा के प्रति लत लगेगा किसी यूथ का, बल्कि कहीं कुछ गलत हो रहा होगा तो वो आवाज़ उठाएंगे, निरंतर आवाज़ उठाएंगे, कभी झुकेंगे नहीं, नाइंसाफी नहीं सहेंगे, अन्याय के खिलाफ हमेशा न्याय की जीत होगी। बस ये क्या नाम हो आपका? मानस मिश्रा।